हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोना वर्ड्स और इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह हम पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे रूल्स सीख लिए हैं कि हमें अगर कोई कंपाउंड दिया जाएगा तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और किस तरह हमारे साइक्लिक कंपाउंड की डिफरेंट नेमिंग होती है, किस तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिफरेंट नेमिंग होती है। वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज थिंग्स। अब मैंने स्पेशली ये वीडियो इसीलिए बनाया सो दैट जो स्टूडेंट होते हैं क्लास 11th क्लास 12th, उन्हें कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपाउंड्स की वो नेमिंग फिर भी नहीं कर पाते, बिकॉज कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डिफरेंट तरीके से नेमिंग की जाती है। तो मैं इसीलिए स्पेशली मैंने यहाँ पे सारे क्लासेस ऑफ कंपाउंड दिए हैं। क्लास 11th में हमारे सबसे पहले टॉपिक दिया जाता है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन्स। फिर हमारे क्लास 12th में स्टार्ट होता है हेलोएल्केन्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हम वन बाई वन देखें तो विल स्टार्ट विद द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में कोई भी ऐसा कुछ डिफरेंट रूल नहीं होता। जैसे मान लो अगर हमने ऐसे करके कंपाउंड लिया तो हम इसमें केवल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, और हमें पता है सिंस इट इज सैचुरेटेड, जब सैचुरेटेड होता है तो उसमें क्या होता है, सिंपल हमारा एल्केन टाइप का होता है कंपाउंड, तो 4 कार्बन में हमारा क्या कंपाउंड का नेम हो जाएगा, ब्यूटेन। ओके, तो ये हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर में आता है। अगर हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज किया कंपाउंड को, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, देन व्हाट वुड बी द नेम, देन इट वुड बी ब्यूटीन। अगर हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया देन इट वुड बी ब्यूटाइन। तो हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर सिंपल है स्टूडेंट्स। अब आपने इतने रूल्स पढ़ लिए हैं, आप इनको खुद ट्राई करो और आप कर सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम अलग से डिस्कस करें। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हमारा इतने में कवर होता है। एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, या एल्काइन हो सकता है। ओके, सो हाइड्रोकार्बन के बाद हेलो एल्केन कैटेगरी दैट इज गिवन इन द क्लास 12 चैप्टर 1, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है उसमें पहला चैप्टर दिया गया है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। इसका भी स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल होता है। हमें पता है कि जो हेलो ग्रुप होता है, चाहे उसमें Cl हो, Br हो, I हो या फिर F हो, ये कोई भी ग्रुप हमेशा कैसे यूज़ होते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स की तरह यूज़ होते हैं। मतलब ये हमेशा वर्ड रूट के पहले यूज़ होते हैं। तो ये रूल अगर हमें पता है तो इसकी नॉमेनक्लेचर भी बहुत सिंपल है। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, सपोज मैंने वही केस लिया और उसमें यहाँ पे Cl लगा दिया, तो अब इस केस में क्या करें, क्योंकि अब ये एल्केन है और हेलोजन ग्रुप है, दैट्स व्हाट इज नेम्ड एज हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की नेमिंग में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वे राइट, यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स की तरह ग्रुप होता है तो हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4। तो 2 पे क्या है, वी हैव 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इट्स वेरी सिंपल कि जो हेलो ग्रुप होता है वो हमारा बिफोर वर्ड रूट आता है। आपको अगर इसमें डाउट है तो पहले फर्स्ट वीडियो को रेफर करो, पार्ट 1 में हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि व्हाट इज दिस प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो इसे आप कर सकते हो। तो ये हमारा 2-क्लोरो-ब्यूटेन हो गया। तो हेलो एरीन्स में क्या हो जाएगा, हेलो एरीन्स में देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, हेलो एरीन जैसे हमने लिया यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लिया, जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हेलोजन ग्रुप लगा होता है देन इट इज नेम्ड एज हेलो एरीन्स। तो इनकी नेमिंग हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। मान लो ये हमारा Cl ग्रुप है तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस वुड बी क्लोरो बेंजीन, दिस वुड बी क्लोरो बेंजीन, क्योंकि इस केस में एरीन्स में बेंजीन एज ए वर्ड रूट यूज़ होता है, पेरेंट चेन की तरह यूज़ होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो तो ये भी सिंपल है। तो ये तो दोनों टॉपिक थे, ये बहुत सिंपल है इसलिए हम इसको डिटेल में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इनको करने में। अब जो मैं स्पेशल लेना चाहती हूँ दैट इज़ एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लेंगे क्योंकि क्लास 12th या बोर्ड के स्टूडेंट्स में ये ज़्यादा पॉपुलर होते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन द क्लास 11th नॉमेनक्लेचर। सो विल स्टार्ट विद द एल्कोहल। सबसे पहले हम यहाँ पे एल्कोहल लेते हैं। तो एल्कोहल में भी स्टूडेंट्स हमें पता है कि OH ग्रुप हमारा एक प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है। अगर कोई भी चेन में अगर कोई अदर ग्रुप नहीं होता है तो इसे एज हम सफिक्स की तरह लेते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में इससे सुपीरियर होता है तो जनरली हम क्या करते हैं, हम उसको एज ए प्रायोरिटी देंगे और इसको हम एज ए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल सो दैट यू वुड बी क्लियर अबाउट इट। ओके, सो ये हमने लिया एल्कोहल। एल्कोहल के केस में देखते हैं, हम पहले जनरल एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें ये कंपाउंड ले लिया, तो दिस इज, अगर जहाँ से ग्रुप लगा हम वहीं से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो वी आर हैविंग 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन एटम से हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि सफिक्स वाला ग्रुप है। तो हम इसे लिखेंगे पेंटेन वन ऑल। तो मैंने यहाँ से ई हटा दिया बिकॉज ये भी कई IUPAC का रूल होता है कि अगर हमारा कोई वॉवल आ रहा होगा सफिक्स की तरह तो हम उससे पहले वाले ई के, जो हमारा प्राइमरी सफिक्स का ई होता है, हम उसे रिमूव कर देते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पे रिमूव कर दिया और यहाँ पे ऑल आ गया है। तो इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर इसमें कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, एंड स्टूडेंट अगर हम इसमें देखें, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इसको सो दैट इट वुड बी क्लियर टू यू।
हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। देन यू नीड टू गो फॉर द प्रायोरिटी ऑर्डर, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में जाना पड़ेगा और प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग विच इज मोर प्रायोरिटाइज ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप इज मोर प्रायोरिटी, यू कैन रेफर इट फॉर इसकी आपको ऑर्डर जानने के लिए अगर आप देखना चाहो तो आप क्लास 11 के एनसीईआरटी के येलो पेज में दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, तो आप उसमें देख सकते हो। तो नंबरिंग अब कहाँ से होगी इस केस में, नंबरिंग वुड बी फ्रॉम हेयर 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 कार्बन है, 2 पे ओन है और ये हमारा सफिक्स वाला ग्रुप है, तो ये कैसे यूज होगा, एज ए प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स का पहले आता है। तो 5 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे, पेंटेन, ये हमारा होता है 2 ओन और ये कहाँ आएगा, ये 5 कार्बन पे लगा हुआ है आपका हाइड्रोक्सी, तो दिस इज 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओन। ओके, इसमें सब कुछ क्लियर हो गया, दिस इज प्रीफिक्स, दिस इज वर्ड रूट और ये हमारा एन करके हमारा प्राइमरी सफिक्स आ गया और ये हमारा हो गया सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने को चेक करते चलेंगे वेदर वी आर राइटिंग एवरीथिंग और वी आर मिसिंग समथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको इसको ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता है। तो ये हमने दोनों केसेस देख लिए कि अगर हमारा केवल अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने क्या किया और अगर अल्कोहल के अलावा कोई और मोर प्रायोरिटी का ग्रुप है तो उस केस में हमने क्या करना है। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न प्रायोरिटी ऑर्डर, कुछ ग्रुप्स का करो, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अच्छे से थॉरो ही करना है, पर आप जो आपके एनसीईआरटी में जो ग्रुप्स दिए हैं आप उसका ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग अनदर केस, तो हमारा ये अल्कोहल पार्ट आई होप डन। इसमें एक छोटा सा केस और ले लेते हैं हम कि मान लो अगर डाईऑल है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं होती, डाईऑल हो सकता है या फिर ये ट्राईऑल भी हो सकता है। तो इफ़ वी हैव डाईऑल और ट्राईऑल तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब हम इसमें बार ओवर नहीं लिखेंगे हम वन ऑल टू ऑल, जस्ट वी राइट डाईऑल्स, तो हम कैसे लिखेंगे वन और टू, तो दिस वुड बी इथेन 1, 2 डाईऑल, इथेन 1, 2, दिस वुड बी इथेन 1, 2 डाई ऑल। ओके, इस तरह अगर इसका नाम करेंगे तो क्या करेंगे, दिस इज प्रोपेन 3 कार्बन 1, 2, 3, तो दिस वुड बी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ये हो गया ट्राई ऑल, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल कंपाउंड होता है, इसका नाम ऐसे हो जाएगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, इन दैट केस दैट वुड बी, इसमें ही लेंगे हम, दैट वुड बी फिनॉल। फिनॉल के केस में नेमिंग कैसे होती है, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया है इसको, बट फिर भी सिंस हम यहाँ पे सारे ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक बार फिर से ले लेते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल, इसको हम फिनॉल कहते हैं। अब अगर इसी कंपाउंड में कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट है, आई एम टेकिंग हेयर 3 एग्जाम्पल्स, अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो कि एज ए प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता है या फिर हम कहेंगे जिसकी प्रायोरिटी कंपैरेटिवली लेस होती है देन OH ग्रुप, तो उस केस में कोई इशू नहीं होता, नंबरिंग हमेशा हमारी सुपीरियरिटी ऑर्डर वाले ग्रुप की होती है 1, 2 एंड 3। तो कैसे नेमिंग करेंगे, दिस वुड बी 3-क्लोरोफिनॉल, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अगर हमारा 1 कार्बन पे होता है और ऐसे हमारे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम इसके लिए कॉमन नेम यूज़ कर लेते हैं। आप इसे ये भी लिख सकते हो बेंजीन 1-ऑल या फिर आप फिनॉल लिखोगे, दैट इज़ ऑल्सो प्रेफर्ड, इवन इट इज़ मोर प्रेफर्ड मेथड। स्पेशली ईथर टॉपिक ऐसा होता है जो आप क्लास 11 में बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, इसीलिए स्पेशली ये होता है कि अगर हम ये कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ईथर्स होते क्या है, तो अब आप क्लास 12th में होंगे तो आपको ये पता होगा ईथर्स क्या होते हैं, जब हमारे किसी एक ऑक्सीजन से दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं देन वी कॉल इट एज ईथर, दिस कंपाउंड इज नोन एज ईथर। और ईथर में हमारे दो तरह के ईथर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड हम यही, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, अगर आपके पास इस तरह से कोई कंपाउंड है CH2, 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 CH3, नाउ यू कैन सी इस केस में अल्काइल ग्रुप सिमिलर है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज सिमेट्रिकल ईथर, इन अदर केस अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर, इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, तो अब इन दो, ये एक हो गया सिमेट्रिकल ईथर, एक हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर, इनकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, तो ये चीज़ आपको सीखनी होती है स्टूडेंट, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर होते हैं बिकॉज दैट इज गिवन इन द क्लास 12th सिलेबस। ओके, तो अब हम क्या करें, हम इसकी नेमिंग करेंगे, तो सिंस यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है तो इसमें हम एक को एज ए वर्ड रूट लेते हैं और बाकी हमारा ग्रुप होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज एल्कॉक्सी, स्टूडेंट्स इसको एल्कॉक्सी ग्रुप बोलते हैं बिकॉज एल्काइल प्लस ऑक्सी दैट इज एल्कॉक्सी, एल्काइल प्लस ऑक्सी दैट इज एल्कॉक्सी। तो अब यहाँ पे कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा, मिथॉक्सी, मिथाइल, तो मिथाइल से क्या बनेगा मिथॉक्सी, अगर इथाइल होता तो इथॉक्सी, तो इसमें हमने इसको वर्ड रूट ले लिया और इसको हमने एज ए ग्रुप ले लिया, तो व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, तो इसका नेम क्या होगा, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, इसका नेम होगा मिथॉक्सी मीथेन,
दिस वुड बी मिथॉक्सी मीथेन. तो ये बिल्कुल सिंपल है, टेक्निक बस आपको बताओगे तो आप गलती कभी भी नहीं करोगे. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब हम अनसिमेट्रिकल ईथर में देखते हैं. इसमें तो हमारे पास चॉइस थी, हमने किसी को भी एज ए ग्रुप ले लिया, किसी को एज ए वर्ड रूट ले लिया. बट अगर हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर है तो हमें यहाँ पे रूल समझना पड़ेगा. तो ऑलवेज लॉन्गर चेन वुड बी प्रेफर्ड एज ए वर्ड रूट. जो लॉन्गर चेन होती है उसको हम एज ए वर्ड रूट लेते हैं या फिर पेरेंट चेन की तरह कंसिडर करते हैं, और जो शॉर्टर ग्रुप होता है उसको हम एज ए ग्रुप की तरह कंसिडर करते हैं. तो वॉट वुड बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, तो इस केस में हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज मिथॉक्सी प्रोपेन. मिथॉक्सी प्रोपेन, ओके. सिंस ये ग्रुप हमारा वन पे ही लगा है तो यू डोंट नीड टू राइट वन मिथॉक्सी प्रोपेन, दैट वुड बी करेक्ट. बट इसमें एक मैं और केस लूंगी, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होती है, उनको वो नहीं कर पाते. अगर इस तरह से कोई ग्रुप दिया हो देन हाउ वुड वी नेम, कैसे करके हम इसका नेम करेंगे. तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने बस वही रूल फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन को एज ए पेरेंट चेन लोगे तो ये पेरेंट चेन है. तो अब इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको 1, 2, 3, क्योंकि ग्रुप हमारा डायरेक्ट नहीं अटैच है, हमारे यहाँ पे ग्रुप सेकंड कार्बन से अटैच है. तो देन हाउ डू वी राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, आई एम रिमूविंग ऑल दीज थिंग्स. ये हमने रिमूव कर दिया क्योंकि आप आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा. तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, नाउ इट वुड बी टू मिथॉक्सी प्रोपेन, ओके. ठीक है, दैट इज द करेक्ट कंपाउंड. तो इस तरह से हमने इसकी नेमिंग करी. तो अगर मान लो मैं इसको रिमूव करूंगी यहाँ पे, अगर मान लो हम एक बेंजीन वाला केस लेते हैं, कई बार बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है. इफ़ वी हैव बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड और यहाँ पे हमारा दो कार्बन एटम की चेन है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट. तो अभी हमें यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन, तो दिस वुड बी एज अ पेरेंट चेन, या फिर हम कह सकते हैं वर्ड रूट या फिर पेरेंट चेन की तरह हमारा ये यूज़ होगा. और बाकी हमारा क्या होगा एज ए ग्रुप, तो वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस ग्रुप, इथॉक्सी. तो क्या हो जाएगा नाम, इथॉक्सी बेंजीन, ओके. तो ये हमारा इसका करेक्ट नेम होगा. नाउ अगर हमने इसका अनदर केस लिया, वी आर टेकिंग हियर दिस, और यहाँ पे हम कुछ 7 कार्बन की चेन ले लेते हैं, सो दैट वी कैन कंपेयर इट. अगर एक साइड हमारा 7 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, एक साइड हमारा कौन सा ग्रुप है, एक साइड है हमारा बेंजीन का ग्रुप. तो इसको आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था जब ये ग्रुप एज ए सब्सिट्यूएंट यूज़ होता है तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप. और फिनाइल और ऑक्सी से क्या बनेगा, फिनॉक्सी. नाउ दिस विल बी ट्रीटेड एज अ ग्रुप, तो इसको क्या नाम कहेंगे हम, दिस इज नोन एज फिनॉक्सी हेप्टेन. It is called as phenoxyheptane. That would be name of the compound, students. So आप इस तरह से इसका ether की naming कर सकते हो. तो we have done this ether also. ये सब आपको 12th class में बहुत helpful रहेगा, इसे अच्छे से करो. और board exams में generally यहीं से questions आते हैं. तो now we are going to discuss this aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो aldehyde में कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए different है. तो ये हम ऑलरेडी क्लास 12th, 11th में भी करते हैं. एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड इज वॉट, अगर मान लो हमारा सिंपल कार्बन का चेन है CH3, CH2, CH2, CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा. इसमें हम जब भी हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम उसे एज ए मतलब नंबरिंग में हम कंसिडर करते हैं, पेरेंट चेन में कंसिडर करते हैं. तो यहाँ से हमारी 1 होगी, 1, 2, 3, 4. तो वट वुड बी नेम ऑफ द कंपाउंड, दिस इज ब्यूटेनल, और ब्यूटेनल भी लिख सकते हो आप, यू कैन एडिट ब्यूटेनल और ब्यूटेनल, ओके. अगर मैंने यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड के साथ, ये दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ CHO ग्रुप लगा दिया, तो स्टूडेंट इस केस में क्या करते हैं, दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बलडिहाइड. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बलडिहाइड, दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन कार्बलडिहाइड. सिमिलरली अगर ये ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच है, इफ इट इज बेंजीन एंड दिस इज CHO, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, आप अपने आप ट्राई करो, आपको पता भी, इट इज़ वेरी पॉपुलर कंपाउंड. आई होप आपने सब लिख लिया है, मैं इसको रिमूव करूंगी यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमारा. दिस इज नोन एज बेंजीन कार्बल्डिहाइड. आई एम गोइंग लिटिल फास्टर बिकॉज हमें बहुत कुछ कवर करना है इस वाले, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में हमारा पूरा जो क्लास 12th के जो प्रैक्टिस पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए. बेंजीन कार्बल्डिहाइड, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड को हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं बेंजल्डिहाइड, एंड दिस इज मोर पॉपुलर, बेंजीन कार्बल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, ओके स्टूडेंट्स. तो आपको याद रखना है. तो इसके अलावा बाकी हमारा वही पैटर्न है कि अगर मान लो इसमें अदर ग्रुप्स प्रेजेंट है तो आप चेक करो वेदर दीज आर इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी ऑर्डर और नॉट. इफ दे आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी ऑर्डर देन व्हाट कैन यू डू, यू जस्ट यूज इट एज अ प्रीफिक्स फॉलोइंग लोएस्ट लुकिंग रूल. लोएस्ट लुकिंग रूल हमें पता है कैसे अप्लाई करना है हमें, ये दैट इज ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर्स, ओके. सो एल्डिहाइड इज ओके, दैट इज सिंपल. कीटोन्स, स्टूडेंट्स कीटोन्स नहीं कर पाते, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो मतलब मैं 3 चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ, ईथर, कीटोन्स और आगे हम करेंगे अमीन्स, बिकॉज ये टॉपिक्स हैं इसमें स्टूडेंट्स जनरली गलती करते हैं क्योंकि क्लास 11th में उन्हें पढ़ा नहीं होता. तो ये आपको अच्छे से क्लियर करना है.
क्योंकि एनसीईआरटी में क्लास 11th में ये इंक्लूडेड नहीं है. तो हम बात करेंगे कीटोन्स की. तो व्हाट इज अ कीटोन? तो कीटोन का अगर मैं पहले सिंपल केस ले लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, बहुत सिंपल है, दैट्स ओके. ये जनरली हमारे सिलेबस में होता है क्लास 11th में, दैट इज़ नॉट एन इशू. आपको पता है सीओ ग्रुप सेकंड उस पर लगा हुआ है, और अभी मैंने आपसे कहा कि कंसीडर किया जाता है. तो ये 5 कार्बन के चेन है, 2 पे हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस वुड बी पेंटेन 2-ओन. ओके, दैट्स ओके. अगर ये 3 कार्बन पे होता, 3rd कार्बन पे होता, देन वी कॉल इट एज पेंटेन 3-ओन, सो ऑन. तो इट इज़ वेरी सिंपल. बट इफ वी हैव दिस कीटोन, अगर हमारे पास ये कीटोन है, तो इसका एक बहुत पॉपुलर कॉमन नेम होता है. तो कॉमन नेम इसका होता है, कॉमन नेम हमारा आईओपेक में भी एक्सेप्टेड है, दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन. एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन इसको बोलते हैं. तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये एसिटो ग्रुप है और ये फिनोन है. फिनोन मतलब तो दोनों में कंसिडर होगा, दिस इज फिनाइल से फिनोन और एसिटो, दो कार्बन की वजह से एसिटो, एसिटोफिनोन. बट स्टूडेंट्स इसके अलावा इसको एक और तरीके से नेमिंग करते हैं आईओपेक सिस्टम में, जो एक्चुअल में दिया गया है नेमिंग, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कैसे बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है. तो हमेशा आप इस केस में ये जो हमारा ये वाला जो फिनाइल ग्रुप होता है, इसे एज ए ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे, और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से इसकी नंबरिंग देंगे. दिस वुड बी फ्रॉम हेयर 1 एंड 2. तो 1 और 2 कार्बन से क्या बनता है? इथेन, इथ बनता है. तो इसको कैसे कहेंगे हम? दिस इज नोन एज वन फिनाइल इथेन 2-ओन, सॉरी इथेन 1-ओन, दैट वुड बी 1 इटसेल्फ. तो इथेन ओन भी कर सकते हो, दिस इज वन फिनाइल इथेन 1-ओन. तो 1 पे ही हमारे फिनाइल ग्रुप लगा है, और 1 पे ही हमारा बेसिकली ये कीटोनिक ग्रुप है, दैट्स व्हाट इज नेम्ड एज 1 फिनाइल इथेन 1-ओन. और अगर हमारा इस तरह का कोई भी केस होगा तो हम कर सकेंगे. मान लो अगर यहाँ पे आपके 3 कार्बन दिए गए हैं, CH2 CH3, तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? यू कैन डू इट, आप अपने आप करो इसे. देन इट इज नोन एज प्रोपियोफिनोन, या फिर वन फिनाइल प्रोपेन 1-ओन. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज क्लियर. कीटोन के आपको स्पेशली अच्छे से करने हैं. कीटोन के हमने देखे, एल्डिहाइड के देखे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूल्स हमारे सिंपल हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 11th में, हमने किए होते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी ग्रुप होगा तो उस केस में हम ओइक एज ए सफिक्स यूज करते हैं. इट इज वेरी सिंपल. सपोज दिस इज अ कंपाउंड जो हमें करना है, उसमें क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज नोन एज पेंटेनोइक एसिड. ये हमेशा काफ़ी हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होता है, तो जनरली हम इसे हमेशा प्रायोरिटी देते हैं जब भी हमारा इसमें अदर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इज पेंटेनोइक एसिड. अगर हम इसको बेंजीन के केस में बात करें, तो अगर हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है, तो देन इट इज नोन एज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बेंजोइक एसिड कहते हैं. तो इट्स सिंपल स्टूडेंट, ये आप कर सकते हो इजीली. तो आई एम टेकिंग द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द अमीन्स. अब मैं यहाँ पे अमीन्स का लूँगी, क्योंकि अमीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी पूछा जाता है, और अमीन्स के बारे में बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं. 11th में ये नहीं दिया हुआ है, पर मैं ये सजेस्ट करूँगी क्लास 11th के स्टूडेंट्स को ही इस टॉपिक को पूरा थॉरो करना चाहिए, बिकॉज फिर जब आप क्लास 12th में जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती, और आपको सारे रूल्स पता होते, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है. तो क्लास 11th से ही आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, आप 12th में भी इसको 12th के लिए पहले से रेडी हो और इसे पूरा कंप्लीट करो. तो अमीन्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स सिंपल. अमीन को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. 3 तरह के अमीन होते हैं. एक होता है, मैं कैसी लूँगी डायरेक्ट, CH3 CH2 CH2 NH2, दिस इज नोन एज प्राइमरी अमीन. ये होता है प्राइमरी अमीन. इसके बाद हम दूसरा केस ले लेते हैं, CH3 CH2 NH CH3, दिस इज सेकेंडरी अमीन. And I'm taking the third example, CH3 N CH3 CH3, this is tertiary amine. जैसे आप कार्बन का क्लासिफिकेशन करते हो, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसी तरह हमारा अमीन्स का भी क्लासिफिकेशन होता है. जब नाइट्रोजन ग्रुप से एक कार्बन अटैच होता है, देन इट इज नेम्ड एज प्राइमरी. जब नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच होंगे, देन इट इज नेम्ड एज सेकेंडरी. और जब इससे 3 कार्बन अटैच होंगे, जैसे बोलते हैं टर्शियरी. तब इनकी नेमिंग बहुत सिलेक्टिव होती है, इसे हमें सीखना होता है कैसे करेंगे. तो हम पहले देखते हैं प्राइमरी अमीन. इस केस को मैं सबसे पहले लूँगी, तो इसमें नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से 1, 2, 3. तो 1 पे आपका अटैच है, जैसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन. सिंपल केस है ये, प्रोपेन 1 अमीन.
या प्रोपेनामीन. ओके, इट्स वेरी सिंपल, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए. सेकेंडरी अमीन में थोड़ा सा हमारा रूल होता है, यहाँ पे हमें इसको सीखना है. तो हाउ डू वी डू नेमिंग ऑफ सेकेंडरी अमीन? तो सेकेंडरी अमीन मैं यहाँ पे रिमूव करूँगी ताकि मैं स्किन का कॉमन IUPAC नेमिंग लिख सकूँ. तो देखो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें वही रूल फॉलो करना आपने जो ईथर में किया था. आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है. अब इसमें हमें क्या होता है, जो हमारा ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच, उसे हम कैपिटल एन के फॉर्म में दिखाते हैं. विच इज राइट इट लाइक दिस, एन मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 1, 2, इथेना मीन, 1-methyl इथेना मीन. ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे, मिथाइल जुड़ा हुआ है. तो हम इसके मिथाइल के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे. अगर मान लो यहाँ पे इथाइल होता और यहाँ पे तीन कार्बन होते, हम क्या बोलते इसे, इसे हम तब बोलते एन इथाइल प्रोपेनामीन. सपोज दोनों साइड भी इथाइल है यानी कि सिमेट्रिकल है, तो उस केस में क्या होगा, एन इथाइल इथेनामीन. मतलब जो एन से ग्रुप अटैच है उसे आपको एज ए ग्रुप की तरह कंसीडर करना है, और एक हमारा वर्ड रूट होगा और एक हमारा ग्रुप होगा. बिल्कुल जैसे हम ईथर की नेमिंग करते हैं, आपको उसी को फॉलो करना है. सिमिलरली हम इसकी बात करेंगे, तो इन दिस केस वी आर हैविंग हेयर दो ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे एन, एक यहाँ पे एन. तो अब इसमें क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इसमें हम एक ग्रुप को एज ए वर्ड रूट की तरह एक्सेप्ट करेंगे, बाकी हमारे एज ए ग्रुप की तरह कंसीडर होंगे. तो हम कैसे लिखेंगे, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, क्योंकि दो ग्रुप लगे हैं इसमें. दिस इज एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथेनामीन, दिस इज नेम्ड एज मिथेनामीन. ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है आपको, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामीन. और अगर मान लो यहाँ पे इसके जगह यहाँ पे मिथाइल नहीं होता, यहाँ पे आपका इथाइल लगा होता, तो हम क्या करते, तो हम लॉन्गर चेन को एज ए वर्ड रूट कंसीडर करते, तो इस केस में हमारा नाम क्या चेंज हो जाता, नाउ इट इज एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन, इथेनामीन. यू कैन राइट इट प्रॉपरली. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने देखा किस तरह से हमने IUPAC नेमिंग को सीखा है. और IUPAC जो सिस्टम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11, क्लास 12, नीट एंड JEE, हर क्लास में आपको ये रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट्स. तो मैंने कोशिश की है आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए. तो आपको अगर अच्छे से समझना है, आप इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, आज मैंने यहाँ तक आपको पूरा फाइनली जो हमारा क्लास 11th और क्लास 12th में कंसीडर होता है, जिस पैटर्न में वो दिया है, ये मैंने यहाँ तक खत्म किया है. और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशूज़ होते हैं, आपको लगता है अभी भी कोई आपके माइंड में डाउट रह जाता है, तो आप इसको स्टूडेंट्स इसको कमेंट के फॉर्म में नीचे लिख सकते हैं. तो डेफिनेटली आई विल कंसीडर दैट. थैंक यू सो मच.